हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोवा बायो। तो आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का सीरीज चालू करेंगे। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितना भी सिलेबस में है आप लोगों को, वो सारा इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें, तो हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ अ नैनो पार्टिकल, उसका साइज क्या रहता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है और उसका सिंथेसिस अप्रोच क्या होता है। तो नैनो पार्टिकल, इफ यू से व्हाट इज अ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल क्या है, इट इज अराउंड एनीथिंग इन द डायमेंशन ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर कुड बी कॉल्ड एज अ ऑफ नैनो साइज बेसिकली। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट बिकम्स 10^-9 मीटर नैनो पार्टिकल, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे। तो चलो देखते हैं नैनो क्या होता है, मतलब नैनो क्यों बोलते हैं इसको। नैनो का ग्रीक मीनिंग है ड्वार्फ, मतलब स्मॉल। ओके, तो दैट्स व्हाई स्मॉल पार्टिकल एज अ नैनो पार्टिकल। अभी नैनो टेक्नोलॉजी ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये वर्ड कहाँ से आया, तो नोरियो तनिगुशी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, तो उन्होंने वो टर्म कॉइन किया था 1974 में। नैनो टेक्नोलॉजी ये टर्म कॉइन हुआ था। ओके, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो दिस इज हाउ नैनो टेक्नोलॉजी केम इन टू पिक्चर फर्स्ट टाइम। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट। तो अभी चलिए साइज के बारे में बात करते हैं, नैनो पार्टिकल का साइज क्या होता है और वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग खुद को कंसिडर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा साइज के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इट इज अराउंड 2 बिलियन नैनोमीटर इज अवर साइज। ओके, तो उससे छोटा क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, अगर हम लोग कंपेयर करने को जाएंगे तो, अगर हम लोग को कंपेयर करें ह्यूमन हेयर का डायमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेयर का डायमीटर दोस्तों, नॉट ह्यूमन हेयर का लेंथ, डायमीटर इज 80,000 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। मतलब किसी किसी में चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, बट दैट इज 80,000 नैनोमीटर, दैट इज द स्केल। ओके, तो आपका बॉडी वॉज 2 बिलियन नैनोमीटर, अभी ह्यूमन हेयर इज 80,000 नैनोमीटर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है डीएनए, तो साइज ऑफ दैट इज 2 नैनोमीटर। ओके, तो साइज ऑफ दैट इज 2 नैनोमीटर। अगर इसके आगे जाते हो आप, हाइड्रोजन एटम का साइज इज 0.1 नैनोमीटर। ओके, 0.1 नैनोमीटर। तो हमारा जो विजिबिलिटी है अप टू 1000 नैनोमीटर्स वी कैन एक्चुअली सी। ओके, अप्रोक्सीमेटली वी कैन सी अप टू 1000 नैनोमीटर साइज तक हम लोग देख सकते हैं। ई कोलाई का साइज है इज अराउंड 2000 नैनोमीटर। ओके, फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑफ ई कोलाई दे अराउंड 2000 नैनोमीटर साइज। तो ये साइज के हिसाब से मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज द साइज, तो आपको एक रफ आइडिया आ गया रहेगा कि हाउ बिग वी आर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नैनो स्केल हाउ स्मॉल इट इज गोइंग टू बी राइट, तो कितना छोटा हो सकता है। अभी हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में एक ही एक्सिस आता है, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस आते हैं और 3 डायमेंशन में XYZ तीनों एक्सिस आते हैं राइट दोस्तों, तो ये तो सबको पता है, ये बेसिक है। तो नैनो मटेरियल अगर 1 डायमेंशन का रहेगा, सिंगल लेयर का रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल का कवर 1 डायमेंशन है राइट, वो ग्लास कवर हम लोग बोलते हैं, गोरिल्ला बोलते हैं, जो कुछ नाम देते हैं उसको, गोरिल्ला ग्लास कवर फॉर एग्जाम्पल, वो सिंगल लेयर हो गया, सिंगल डायमेंशन हो गया एक ही डायमेंशन में राइट। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कंसिडर करते हैं वाई एक्सिस में। ओके, तो वो हो गया 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल, जो कोटिंग होता है, नैनो कोटिंग होता है चिप के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नैनो रिलेटेड बात करेंगे तो। ओके, दूसरा जो है 2nd डायमेंशन का जो एग्जाम्पल है, दैट इज अ नैनो ट्यूब या फिर नैनो फाइबर दोस्तों। तो एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई प्लेन इसमें आएगा, दैट विल बी अ नैनो ट्यूब और अ नैनो फाइबर। ओके, 3rd डायमेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 3rd डायमेंशन इज नैनो पार्टिकल या फिर नैनो रिंग्स। तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स आ जाते हैं एक साथ, सो इट एक्युमुलेट्स ऑल थ्री, बेसिकली इट इज अ वॉल्यूम काइंड ऑफ थिंग एंड इट कंडक्ट्स ऑल थ्री प्लेन्स, इट टेक्स इन टू अकाउंट ऑल थ्री प्लेन्स टू मेक अ नैनो पार्टिकल और अ नैनो रिंग। नाउ
दिस वॉज अबाउट नैनो पार्टिकल डायमेंशन बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑफन कन्फ्यूज. स्टूडेंट्स बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे नैनो पार्टिकल बोलते वो वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है या नहीं है, या फिर वो कैसे एग्जैक्टली दिखता है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, या फिर उसके बारे में कैसे हम लोग इमेजिन करें. तो दिस इज फॉर योर इमेजिनेशन की मैंने एक्सप्लेन किया है और इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो पार्टिकल. तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज नैनो पार्टिकल है, व्हाई वी शुड थिंक ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है. इट इज चीप, लाइटर एंड एनर्जी एफिशिएंट. ओके, सो नैनो पार्टिकल्स आर चीप, दे आर लाइट इन वेट एंड दे आर एनर्जी एफिशिएंट. एंड व्हाट इज द अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी एट स्मॉल स्केल, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है जब नैनो लेवल पे जाता है, तो इट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मेटल से नॉन मेटालिक हो जाता है, नॉन मेटालिक से मेटालिक हो जाता है एंड ऑल, लार्जर सरफेस एरिया एंड केमिकली इट इज गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव. लार्जर सरफेस एरिया का क्या पॉइंट है वो मैं अभी कुछ ही देर में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, जब कोई भी मटेरियल नैनो लेवल पे जाता है तो इट स्टार्ट शोइंग क्वांटम इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वो कलर भी चेंज करते देता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो गोल्ड को अगर आप मेटल फॉर्म में देखोगे तो वो गोल्ड का कलर आपको पता है गोल्ड है. ओके, तो उसका जो कलर है, सो इफ यू थिंक ऑफ अ गोल्ड कलर एंड इफ यू टेक इट डाउन टू अ पर्टिकुलर नैनो लेवल से 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर एंड सो ऑन, तो वो कलर चेंज होते जाता है दोस्तों. ओके, और वो कलर चेंज फ्रॉम वॉयलेट टू ऑलमोस्ट, अगर आप एकदम छोटे लेवल तक जाओगे तो कलरलेस तक जाएगा, एटॉमिक लेवल तक अगर आप जाओगे तो. Okay, तो ये ट्रांजिशन है ओके कलर का, एंड दैट इज एग्जिबिटेड बिकॉज ऑफ सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस. इट इज साइज डिपेंडेंट बेसिकली. ओके, सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नैनो पार्टिकल्स एंड दैट्स वाई वी थिंक ऑफ नैनो पार्टिकल. एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नैनो पार्टिकल लेवल पे अगर कुछ रहेगा तो, नैनो लेवल पे बेसिकली. तो अभी चलिए बात करते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. तो व्हाट आई हैव सीन, मैंने अब तक देखा है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो में स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, कैसे कैलकुलेट करें. एंड तो चलिए बात करते हैं 2 mm³ के बारे में. अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 mm³ का अगर सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसका हाइट, विड्थ, उसके बाद क्यूब और क्यूब के साइड्स, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो दैट कम्स आउट टू बी हाइट, विड्थ, लेंथ भी आपको कैलकुलेट करना है और दैट कम्स आउट टू बी 24, राइट. अगर वही 1 mm³ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये 2 mm³ को हम लोग अगर बीच में से हाफ ऑफ करेंगे तो दैट बिकम्स 1 mm, दैट कम्स आउट टू बी इन द सेम वे 48. अगर वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वॉल्यूम इज योर साइड्स एंड पार्ट्स ऑफ इट, राइट. तो वो आ जाता है 8, लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाता है 8, एंड यहाँ पे भी वॉल्यूम उतना ही रहता है 8. तो सरफेस वॉल्यूम के रेशियो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सरफेस को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों. तो सरफेस को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो 3, और 1 mm³ में आ जाता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो 6. इसका मतलब क्या, जैसे साइज कम होते जाता है वैसे सरफेस एरिया ज्यादा बनता है. तो ये कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप बड़े बॉल को लोगे तो बड़े बॉल को अगर आप पानी में डुबाओगे तो वो जितना पानी सोख करेगा उससे वही मटेरियल के छोटे छोटे बॉल अगर आप पानी में डालोगे लेकिन उतने ही वॉल्यूम के तो वो ज्यादा पानी सोख करेंगे. मेरा कहने का मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ. ओके, सो दैट्स व्हाई सरफेस टू एरिया वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है और वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है एट नैनो लेवल, एंड इट इज यूजफुल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्रग फॉर्मुलेशन में नैनो लेवल पे बनाने का यही रीजन है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग है जो पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है सेल लेवल पे, ओके, तो उसको अगर नैनो फॉर्मुलेशन में बनाया जाए तो वो अच्छे से पेनेट्रेट हो जाता है, और ये इंडस्ट्री में फिलहाल चल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, देर आर फ्यू ड्रग्स विच आर इन नैनो फॉर्मुलेशन, तो दैट इज गोइंग ऑन. ओके, तो दिस वॉज अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट
सिंथेसिस अप्रोच। तो सिंथेसिस अप्रोच में हम लोग के पास दो अप्रोच रहते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, ये दो अप्रोच रहते हैं। और उसके अलावा व्हाट इज अ क्वांटम इफेक्ट और व्हाट इज अ सरफेस प्लाज्मा ऑन रेजोनेंस, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप ये नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया रहेगा। अब तक हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट योर फ्रेंड्स नो कि दिस इज अ गुड चैनल। एंड अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपको लगता है कि मैं ये टॉपिक पे लेक्चर स्टार्ट करूं, हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बायोटेक से लेके बायोइन्फॉर्मेटिक्स तक सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने ऑलमोस्ट, तो आप वो प्लेलिस्ट को देखिए और हम और आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आपको और क्या लेक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। नई नई इन्फॉर्मेशन तो मैं हर एक चीज के बारे में देते ही रहूंगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा प्रोफाइल का नाम है नोआ बायो 16 और ट्विटर पे नाम है नोआ बायो 12। थैंक यू।